जब नेता मंत्री लगातार पेंशन ले सकते हैं तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ग्राउंड जीरो पर देश की जड़ होता है, उसे भी पेंशन मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी अब पीछे नहीं हटते नजर आ रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखें। पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के मुद्दे को लेकर अब सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर सख्ती ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और 1 अक्टूबर को भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी महारैली का भी ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान यहां मौजूद कर्मचारियों ने आखिर क्या कहा, यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी मायूस और परेशान है तो अपने दर्द को भी बयान कर रहा है। मेरा नाम मंजीत पहल, डिप्टी प्रधान। जो हमारी 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली होने जा रही है, इसके बारे में आज हम मीटिंग करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पूरे देश की रैली है, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, कम से कम 10-12 लाख के आसपास वहाँ कर्मचारी पहुंचेंगे और हरियाणा से लाखों की संख्या में कर्मचारी वहां पहुंचेंगे। मांगे क्या है? मांगे हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो। जब एक विधायक 2 दिन के लिए चुनता है या 1 घंटे के लिए चुनता है तो उनकी पेंशन 2 बार बढ़ गया, 2 पेंशन, 4 बार 4 पेंशन। कर्मचारी 30-30 साल सेवा करता है पब्लिक, उसके लिए पेंशन क्यों? हमारी मांग ये है पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करें और 1 अक्टूबर को सरकार भी बातचीत के लिए बोला समाधान नहीं करती तो हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी रैली की घोषणा होगी 1 अक्टूबर को दिल्ली से। कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? इस संघर्ष में 4-5 साल से लगातार जारी चल रहा है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, सरकार से वार्ता हुई अब तक? सरकार से वार्ता हुई है, हमारे पंचकूला के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, सरकार ने बातचीत की, वहाँ लाठी गोलियां बरसाई, बातचीत के लिए बुलाए, फिर भी समाधान नहीं हुआ तो हमारी दिल्ली के अंदर रैली हुई, दिल्ली के अंदर एक पैंट रैली, उसके बाद भी हरियाणा की एक बहुत बड़ी रैली जींद के अंदर हम करने जा रहे हैं। अच्छा, कब? उसकी तारीख 1 अक्टूबर को दिल्ली में घोषणा करेंगे। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है, मैं शिक्षा हरियाणा शिक्षा विभाग से हूँ और फिजिक्स लेक्चरर हूँ मैं, स्कूल गाइडर का। आज हम यहाँ रोडवेज डिपार्टमेंट पे आए हैं और अलग अलग विभागों में भी हम मीटिंग करके आए हैं और जो आगे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मैं जा रहा हूँ। ये संघर्ष हमारा पिछले 7 साल से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है, जो गलत नीति जो 30-40 साल जो है जो सरकारी कर्मचारी काम करता है और जो 30-40 साल बबाद उसने NPS के नाम पे 4-5 हज़ार रुपये पड़ा है, उसके खिलाफ हमारा ये संघर्ष पूरे 7 साल से चला हुआ है। और जिस संघर्ष के चलते 7 राज्यों में, जिसमें से 5 तो ये OPS लागू कर ही चुके हैं 2 लाइन में, ठीक है, इसी का प्रेशर कंटिन्यू करने के लिए हम 1 अक्टूबर को पूरे नेशनल लेवल की रैली है जिसमें सारे कर्मचारी हर विभाग से कर्मचारी आ रहे हैं और हर ग्रेड से आ रहे हैं, टॉप से लेके बॉटम, ए से लेके CD तक सब आ रहे हैं। और सरकार पे प्रेशर हम, क्योंकि प्रजातंत्र है तो वोट के माध्यम से ही बना सकते हैं, तो या तो सरकार ये जाग जाए, हम तो पूरा सेंटर पे ही प्रेशर बना रहे कि भाई जाग जाए और ये गलत नीति को अपना वापस ले, नहीं तो फिर हम इसकी अगर वैकल्पिक कोई हमारे को तो मिलता है, ऑप्शन मिलता है तो हम उसके भी। इसके बाद हरियाणा का जो है ये अगला, पहली ये तो हमारी दिल्ली में हो ही गई, जो नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले की रैली वहाँ रैली हो ही रही है और हरियाणा का जो विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उससे पहले भी हम एक ऐसी महारैली करेंगे हरियाणा को जींद में होगी, जिसकी तारीख हम 1 अक्टूबर को ही निश्चित करें। और 1 अक्टूबर के बाद सब कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट से हर कर्मचारी, इसको हम गांव-गांव में सरपंचों के लेवल पे जाके भी इस मुहिम को चलाएंगे। अभी तो हम विभागों में जा रहे हैं, हर विभाग में हर कर्मचारी अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, अब हम इसको गांव-गांव में जन जन तक इसको हम पहुंचाएंगे। सरकार की गलत नीति कौन से मानते हैं? सरकार की गलत नीति यही है कि भाई NPS और OPS जो कि ये हमारे को एक जो है इज्जतदार पेंशन मिलनी चाहिए और NPS के नाम पे जो ये इन्होंने बुढ़ापा पेंशन उससे भी कम पेंशन हमारे को मिल रही है, यही गलत नीति है। मेरा नाम प्रमोद स्थान है, NOPS का IT सेल है मेरे पास और पेंशन वाली संघर्ष समिति में प्रदेश का मुख्य सलाहकार। आज की जो हमारी मीटिंग है वो लगातार 1 महीने से लगभग चल रही है
दिल्ली में 1 अक्टूबर को पेंशन संखनाथ महारैली है, जिसमें देश के कोने कोने से कर्मचारी और अधिकारी पहुंच रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों का टारगेट है। केवल एक मांग है उसमें कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की थी। और विशेष तौर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको और आपके दर्शकों को, कि जब एक सरकारी कर्मचारी 20 से 30 साल नौकरी करता है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है, और मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ कि लगभग हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन से भी कम हमारे जिस तरह से कर्मचारियों ने अब दावा किया है कि देश भर से लाखों व्यक्ति दिल्ली जुटेंगे और हर विभाग का कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद करेगा, सरकार प्रशासन को भी चाहिए कि वार्ता कर समाधान निकाल लेना चाहिए। और पुरानी पेंशन से संबंधित जो कर्मचारी पिछले काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी डिमांड को जरूर सुन लेना चाहिए। यहाँ खास तौर से हम यह भी जानकारी जरूर देना चाहते हैं कि अगर सरकार प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो अब जिस तरह से 1 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली कर्मचारी देश भर के इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो भविष्य में हरियाणा के जींद में भी रैली कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर मांगे पूर्ण करने का प्रयास कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। और पिछले काफी वर्षों से ज्यों का त्यों संघर्ष चल रहा है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।